कांदिवली रेलवे स्टेशन पर चोर छीनकर भाग रहा था मोबाइल, जीआरपी ने ट्रैप पर दौड़ाकर चोर को पकड़ा, घटना सीसीटीवी में कैद। व्यक्ति रिक्शे में भूल गया था हीरो से भरा बैग, भाईंदर पुलिस ने सीसीटीवी खंगाल, 12 घंटों में हासिल की कामयाबी। पुणे में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन इमारत दहने से 5 मजदूरों की मौत, कई मजदूर के शरीर में घुसे लोहे के सरिये। वसई में 4 माफियाओं की दादागिरी, नगर निगम के कर्मचारी हुए घायल। 3 साल में बेस्ट की सभी बसें होगी इलेक्ट्रॉनिक, पर्यावरण पर है बीएमसी का विशेष ध्यान। मुंबई में सड़क ना बनने से नाराज लोग, कांदिवली हाईलैंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बाहर लगाया नो रोड नो वोट वाला पोस्टर। भाईंदर में रो रही थी बच्ची, इसलिए गला दबाकर मां के प्रेमी ने कर दी हत्या, पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। कोरोना की तीसरी लहर मार्च के मध्य में होगी खत्म, स्थिति को देखकर हर हफ्ते कम होंगी पाबंदियां, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। हिंदुस्तानी भाव के सोशल मीडिया अकाउंट से हिंसा भड़काने का वीडियो किया गया डिलीट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक अकाउंट भी हो सकते हैं बैन। ट्रैफिक के कारण 3% लोगों का होता है तलाक, अमृता फडणवीस का दावा। ये अमृता का नया दामाद खोजने का प्रयास है, मेयर किशोरी पेडनेकर ने अमृता फडणवीस पर किया पलटवार। पुणे में निर्माणाधीन इमारत का ढांचा गिरने के मामले में 3 हिरासत में, ठेकेदार पर हुआ केस। गर्लफ्रेंड के साथ होटल में ठहरने पहुंचा शादीशुदा शख्स, दिखाया पत्नी का आधार कार्ड, पत्नी ने कराया केस दर्ज। भाजपा विधायक नितेश राणे को 18 फरवरी तक पुलिस हिरासत, जमानत के लिए सत्र न्यायालय में याचिका दायर। न्यायिक हिरासत के बाद नितेश राणे की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया एडमिट। सोशल मीडिया फेम हिंदुस्तानी भाव की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने बढ़ाई 1 दिन की न्यायिक हिरासत। अग्निशमन दल के जवान की मॉक ड्रिल करते समय हुई मौत, मेयर किशोरी पेडनेकर ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में आज कोरोना के 846 मामले, 7 मरीजों की मौत। माड़ा परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, सभी उम्मीदवारों की चेकिंग मेटल डिवाइस से होगी। मुंबई लोकल में लगेगा ब्लैक बॉक्स, एक्सीडेंट टाइम का ब्यौरा होगा सुरक्षित। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 13,840 मामले, 81 मरीजों ने गवाई जान। जमानत के लिए 50 लाख की फिरौती मांगना लेडी पुलिस इंस्पेक्टर शालिनी शर्मा को पड़ा महंगा, शर्मा समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बहुप्रतीक्षित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर हुआ रिलीज, जनता का बेहतरीन रिस्पॉन्स। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, सोना 49,200 रुपए तोला तो वही चांदी 61,000 रुपए किलो। गोवा में भाजपा के पैरों तले खिसकी जमीन, हमने माहौल तैयार किया, संजय राउत का बयान।